हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज मैं आपको करवाऊँगी इंग्लिश के वोकैब के कुछ चुनिंदा वर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा YouTube चैनल। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सभी मिलती हैं, तो आप इन्हें ज़रूर अवेल करिएगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो जिन जिन बच्चों को हमें कॉन्टैक्ट करना है वो इनको इन क्लासेस पे इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सॉरी, तो चलिए सबसे पहले आज का जो हमारा वर्ड है, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वॉर। वॉर, वॉर का शब्द का वॉर एक्चुअल में एक रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड का मतलब होता है ईटिंग, ईटिंग खाना खाना। तो जैसा कि हमारे ये भाई बंधु दिख रहे हैं तुम्हें खाना खाते हुए, तो वैसे ही एक अलग अलग तरीके से, तो खाना खाने से रिलेटेड जो भी हमारे वर्ड्स आएंगे तो वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड आता है। अगला वर्ड है वोरेशियस। ये हमारे बंधु जी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं खाना खाने में, तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं वोरेशियस का मतलब क्या होता है। वोरेशियस का मतलब होता है वेरी ईगर फॉर समथिंग, स्पेशली अ लॉट ऑफ फूड। मतलब एक खाने के प्रति एक ऐसा लगाव होना कि बस खाए जाओ, बस मुझे खाना है किसी भी तरीके से। सो होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं तो खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उनके लिए जो वर्ड आता है वो होता है वोरेशियस। जैसे एग्जांपल, ही हैज़ अ वोरेशियस एपेटाइट, जिसका मतलब है कि भाई, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ, जिसका मतलब ही ईट्स अलॉट, यानी कि उसकी वोरेशियस एपेटाइट है। वोरेशियस एपेटाइट का मतलब क्या होता है? वोरेशियस एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है कि खाना खाने की इच्छा। सो हमारे यहाँ पे इसके अंदर क्या मतलब है कि खाना खाने की इच्छा उसकी इतनी ज़्यादा है कि भाई वो खाना खाए बिना नहीं रह सकता। सो ये है वोरेशियस एपेटाइट। चलो अगला वर्ड है, अगला शब्द कार्निवोरस। कार्निवोरस किससे निकला है? वर्ड है हमारा कार्नी। कार्नी का मतलब होता है कि एनिमल से रिलेटेड, और वोर का मतलब इंग्लिश में ईटिंग। सो कार्नी प्लस वोरस से निकला हमारा कार्निवोरस, जो कि क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, यानी कि मैं एक नाउन के पीछे हमारा जो लगता है वो होता है एडजेक्टिव। चलो कार्निवोरस ऐसे हिंदी में लिखा जा सकता है, जैसे हिंदी में जिसे हम बोलते हैं मांसाहारी, यानी कि जो मांस खाने वाले, ये तुम देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं, है ना, मांसाहारी। जैसे एग्जांपल, लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स। लायन क्या होते हैं? एक कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। चलो अगले शब्द पे बढ़ते हैं, अगला शब्द जैसे कि, ओहो बहुत ज़्यादा घास खा रहा है अभी, घास खाए बिना रहा नहीं जा रहा उनसे। अगला शब्द है हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है। सो एनिमल्स की बात करें, ये तो बस मजाक के लिए है, पर हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि घास फूस खाते हैं, जैसे कि हमारी शिप, गोट, गाय, बफेलो, ये सब क्या खाती है, घास फूस खाती है। तो जो घास फूस खाने वाले हो गए, मतलब जो घास फूस खाते हैं, यानी कि मतलब ऐसा, मतलब एक तो होता है मीट खाने वाले और एक होते हैं नॉर्मल जो हरी सब्जियां, वेजिटेबल फ्रूट, ये सब खाने लगे, तो वो क्या होते हैं, शाकाहारी, यानी कि हर्बीवोरस। एग्जाम्पल, अच्छा सॉरी, एग्जाम्पल हर्बीवोरस डायनासोर्स।
कुछ डायनासोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। चलो अगले शब्द पढ़ते हैं हम। अगला शब्द है सेवर। सेवर ये क्या होता है, एक वर्ब होता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कितने प्यार से ये खा रही है और बस मन में तो बस उसी, जैसे ही वो खा रही है ना तो मन में बस उसी चीज़ की ख्यालात घूम रहे हैं, हाय कितना टेस्टी शब्द है, सॉरी कितना टेस्टी खाना है, सैंडविच खा रही है और सैंडविच के बारे में ही सोचे जा रही है। सो सेवर का मतलब ही यही होता है, सेवर का मतलब होता है कि भाई हम किसी कोई खाना लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे इनकी तरह कुछ खा रही हूँ और मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ, हाय कितना टेस्टी है, और उसी के बारे में सोच रही हूँ। सो वो एक टेस्ट के बारे में बताता है, जैसे कि अ टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक इन्जॉय इट टू द फुल, मतलब हम कुछ खा रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, उसको 100% इन्जॉय कर रहे हैं, तो वो होता है सेवर, ठीक है। जैसे कि टू ई ओ फोर, जैसे कि गुरमेट्स विल वांट टू सेवर आवर गेम स्पेशलिस्ट, गुरमेट्स विल वांट टू सेवर आवर गेम स्पेशलिस्ट, मतलब गुरमेट्स क्या होते हैं, अपने गुरमेट्स वो लोग होते हैं जो कि खाना खाने में बहुत ज़्यादा, एक तरह से वर्ड उनके लिए भुक्कड़ बना है, तो जो भुक्कड़ लोग होते हैं ना वो गुरमेट्स होते हैं, ठीक है। सो वो एक टेक्निकल भाषा में बोला गया है कि भाई जो गेम स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सो गुरमेट्स कौन होंगे, ये टेक्निकल भाषा में बोला गया है कि भाई जो गुरमेट्स होंगे वो गेम के स्पेशलाइज्ड, मतलब जो गेम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको लेना चाहेंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बोला गया है। हैव अ सजेशन, अब दूसरा सेवर का एग्जांपल क्या होगा, मतलब मीनिंग क्या है, हैव अ सजेशन और ट्रेस ऑफ क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट टिपिकली ऑफ वन कंसीडर्ड एज बैड, मतलब सेवर का मतलब एक और दूसरा होता है कि जो जब हम किसी के इंसान की उसके एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी खूबियों के बारे में हम कुछ बुरा सोचते हों या फिर कुछ बुरा भला बोलते हों, तो उसकी बोलते हैं ना जैसे क्वालिटीज़, सो क्वालिटीज़ के लिए ही एक अलग से सिनोनियम वर्ड बना है सेवियर, जैसे देयर जेनफ्लेक्शन सेवर्ड ऑफ सुपरस्टिशन एंड पोपरी। सो उनकी जो बिहेवियर है वो कैसा है, कम्प्लीटली किससे बना हुआ है सेवर, मतलब कौन कौन सी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, सुपरस्टिशंस वाली ये सब क्वालिटीज़ उनके अंदर आती है। चलो अगले शब्द पे बढ़ते हैं। डिव्योर। डिव्योर जैसे कि सेवियर हमने क्या बताया था कि भाई खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना लग रहा है, यहाँ पे क्या है डिव्योर मतलब एक तरह से ऐसा खाना जिसके अंदर मैं पागलों की तरह खाई जा रही हूँ, कि एक होता ना कि भाई हमें होश ही नहीं होता कि हम कैसे खा रहे हैं, सो वो होता है कि डिव्योर बड़े भद्दे तरीके से खाना, जैसे कि ये बस जो मन में आए वो खाते जाऊँ। टू ईट समथिंग वेरी क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, मतलब कि आप कुछ खा रहे हो जो कि बहुत, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंग्री हो, बहुत ज़्यादा भूखे हो इस वजह से। और इसका दूसरा मीनिंग क्या है, टू डू और यूज समथिंग क्विकली एंड कम्प्लीटली, मतलब इसका दूसरा मीनिंग ये है कि आप बहुत ही जल्द कोई काम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो या बहुत ज़्यादा क्विकली कर रहे हो, तो इसमें क्या कर रहा है वो इंसान, खाना जल्दी खा रहा है और हम क्या कर सकते हैं, कोई काम दोबारा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला शब्द है एम्बीवोर। एम्बीवोर दो वर्ड से निकला है, एम्बी का मतलब होता है दो और वोर मतलब ईटिंग, यानी कि दो टाइप की ईटिंग। चलो अब प्रूरल किसका, इसका एम्बीवोर क्या होता है, एक नाउन होता है जिसका प्रूरल मीनिंग क्या होता है, एम्बीवोरस। जैसे कि एन एनिमल दैट फीड्स ऑन वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स को, सॉरी वैरायटी ऑफ फूड को खाए, यानी कि ये भी खाना चाहे वो भी खाना चाहे, मतलब जो जो अलग अलग वैरायटीज़ मिल रही हैं वो खाए। तो एम्बी का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब ये होता है कि डबल मल्टीपल और मल्टीपल खाना, मल्टीपल अलग अलग टाइप के खाना, ठीक है, जैसे कि ये सब। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शब्द एपीवोरस।
एपिवोरस किन दो शब्दों से निकला है? एपिवोरस निकला है हमारा, पहला तो शब्द है एपी, एपी, एपी का मतलब क्या होता है? एपी मतलब जैसे तुम्हें ये दिखाई दे रही है बी, तो एपी का मतलब होता है बी यानी कि मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का मतलब होता है, मतलब एपी का मतलब बी और वोर मतलब बी को खाना, यानी कि ऐसी प्रजाति जो कि बीज को खाती हो, बी अपना ऐसे आहार बनाती हो, उनको क्या बोलते हैं हम? एपीवोरस। जैसे फीडिंग ऑन बीज एज अ सर्टेन बर्ड्स, यानी कि कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि ये क्या खाती हैं? बीज खाती हैं, मतलब मधुमक्खियों को खाती हैं, जैसे कि ये। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आर्कीवोरस, आर्की जैसे कि ये क्या है, जैसे ये सब क्या है? ये स्पाइडर, स्पाइडर है। सो आर्की किन दो शब्दों से निकला है? ये निकला है, आर्की मतलब स्पाइडर और वोर मतलब ईटिंग, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो कि स्पाइडर को खाए, यानी कि मकड़ी को खाए, ऐसे जीव जंतुओं को क्या बोलते हैं? आर्कीवोरस। जैसे कि अब इसका आर्कीवोरस का वो प्लूरल क्या होएगा? आर्की ई एस लगा दो तो प्लूरल बन जाएगा। सो बायोलॉजी एंड मतलब ये एक बायोलॉजी की टर्म है, एन ए ऑर्गेनिज्म दैट इंजेक्ट्स आर्कियाज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आर्कीज को खाए, मतलब ये इनको खाए, स्पाइडर्स को खाए, वो होते हैं ये आर्कीवोरस। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। चलो बाय।